नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। खबर की खोज, सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ बेबाक, सत्ता का झूठ बेनकाब, आग में तपी पत्रकारिता दागती है सवाल दर सवाल। लोकतंत्र का जज्बा किसान संघर्ष ने पूरी मुस्तैदी के साथ जिंदा रखा है, वाइब्रेंट बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अचानक आकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया और उसके बाद किसानों पर, देश के अन्नदाता पर यह दबाव बनाया कि वह तुरंत आनन फानन में अपने घर चले जाएं, खेती बाड़ी की तरफ लौट जाएं, उसका बहुत माकूल जवाब देश के अन्नदाता ने उन्हें दिया। उन्होंने कहा, हमें पता है हमारी मांगे क्या है और जब तक आप देश की संसद में पूरे विधि विधान के साथ इन तीन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेते, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानून नहीं बनाते, नए कृषि कानून के साथ साथ जो उनकी मांग रही है बहुत पुरानी न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल जो आया है उसे वापस नहीं लेते, किसानों के कर्जे की माफी के बारे में निर्णायक फैसला नहीं लेते, हम यहाँ डटे रहेंगे, जमे रहेंगे और आपको लोकतंत्र की सीख देते रहेंगे। अब देखिए किसानों का जो संघर्ष चल रहा है, एक साल हो गए देश की राजधानी दिल्ली की सरहद पर किसानों को डटे हुए और इसका सीधा असर उन 5 विधानसभा चुनावों पर दिखाई देने वाला है जहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है, तेजी से गतिविधियां हो रही हैं। ऐसा अहम प्रदेश है उत्तर प्रदेश और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दबाव में आकर इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उत्तर प्रदेश था और उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन निश्चित तौर पर रंग ला रहा है। इसका दबाव, इसका असर हमें दिखाई देता है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने में। सपा और रालोद ने हाथ मिलाया है। सपा के अखिलेश यादव और रालोद के जयंत चौधरी ने साथ आकर हाथ मिलाया और साथ साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। यह निश्चित तौर पर बहुत अहम फैसला है और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जयंत चौधरी रालोद का जो पूरा का पूरा इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां किसान आंदोलन अपने पूरे परवान पर है। बहुत तेजी से वहां पर किसानों ने भाजपा की जो किसान विरोधी देश विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष छेड़ रखा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी लगातार वह घुमा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह समझौता, यह गठबंधन इस मामले में एक निर्णायक है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर से बुरी खबरों का सिलसिला थम नहीं रहा है। जिस तरह से 22 नवंबर को कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता 44 साल के खुर्रम परवेज को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने उठाया, बहुत ही गंभीर जिस तरह के आरोप उन पे लगाए गए हैं वह एक गहरी चिंता का सबब उन तमाम लोगों के लिए है जो जानते हैं कि खुर्रम परवेज किस तरह से कश्मीर की वादी में अमन चैन के लिए काम कर रहे हैं, वहां के नागरिकों के लिए हक हकूक और संविधान में उनके विश्वास को कायम करने के लिए लंबे समय से संघर्षरत है। वहां से जो खबरें मिली हैं, जो अरेस्ट मेमो हमें देखने को मिला है उसके मुताबिक खुर्रम परवेज पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA, देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का की साजिश सहित कई खौफनाक धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं और जो लोग उनके कामकाज से वाकिफ रहे हैं, तकरीबन 20 साल से खुर्रम परवेज ने कश्मीर में तमाम लोग जो लापता हो जाते हैं उनके लिए आवाज उठाई है, लंबा संघर्ष किया है, वे सारे लोग यह मान के चल रहे हैं कि जिस तरह का पूरा दृश्य कश्मीर में बदल रहा है, दमन का चक्र चल रहा है, वह बहुत संकट वाले दिनों की आहट दे रहा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि खुर्रम परवेज किस तरह से जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के संयोजक हैं, एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलेंट्री डिसअपीयरेंस AFAD के चेयरपर्सन हैं और तमाम लोगों के साथ मिलकर, खास तौर से PUCL और बाकी मानवाधिकार संगठनों के साथ मिलकर लंबे समय से
जमीन पर काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र तक अपनी आवाज को उठाने वाले बहुत ही चुनिंदा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से हैं, जिन्होंने देश में अमन के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उन तक कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उनसे किस तरह से संवाद स्थापित किया जा सकता है, किस तरह से लिखा पढ़ा जा सकता है, इसकी एक गहरी परंपरा खींची है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की है और मांग की है कि उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि सबके सामने है कि 2016 से जिस तरह से खुर्रम परवेज को निशाने पे लिया गया, उनके संगठन को निशाने पे लिया गया, बार बार रेड डली, वह सब एक दूसरे ढंग की साजिश की आहट को सामने रखता है। अब आप देखिए जिस तरह से जो घटनाक्रम हैदरपुरा में हुआ, जिसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि दो आतंकवादी थे और दो उनके सहयोगी, चार लोगों को मारा गया, और बाद में जब मृतकों के परिजनों ने बहुत हिम्मत के साथ मोर्चा खोला, तमाम तथ्यों को सामने रखा, मृतक की बेटी रो रो कर कैमरे पर बताती रही कि किस तरह से उनके पिता को मारा गया बेकसूर, पूरी तरह से वो अनआर्म्ड थे, तब थोड़ा सा प्रशासन हिला। चारों की लाशों को दफना दिया गया था बहुत दूर श्रीनगर से। पिछले एक साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों को, उनकी लाशों को, उनके परिजनों को वापस ना देखने का नया नियम चला हुआ है। इसी के तहत चारों की लाशों को दफना दिया गया। जब हंगामा हुआ, जब मृतक के परिजन और खास तौर से उनकी बेटी और बेटा सामने आए, पोस्टर लेकर खड़े रहे और उन्होंने कहा कि वह अपने पिता की शक्ल देखना चाहते हैं, मरे हुए पिता को देखने का हक बेटा और बेटी को है, जब यह मांग बिलखते हुए बच्चे करने लगे, तब उनमें से दो लोगों की लाशों को वापस परिजनों को दिया गया, खोद के लाशें निकाली गई, लेकिन साथ ही साथ कहा गया कि वह रात में दफनाई जाएं। ये सारी जो नाइंसाफियों का सिलसिला चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वह बताता है कि किस तरह से कश्मीर और कश्मीरियत निशाने पर। यह सब उस मुल्क में चल रहा है जहां अभी संविधान लागू है, देश में नियम कायदे कानून की सरकारें होनी चाहिए कम से कम कागजों में, और ठीक उसी समय हमें दिखाई देता है कि देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, वह क्या कहते हैं। वह कहते हैं कि सिविल सोसाइटी न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर है, यानी सिविल सोसाइटी को जंग का नया मोर्चा बताया गया और कहा गया कि इसे देश के हितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सब उन्होंने 12 नवंबर को हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में पार्सिंग आउट परेड में कहा। यहाँ पर इसका हवाला मैं आपके सामने इसलिए कह रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। एक तरफ अजीत डोवाल जो सीधे सीधे पीएमओ से जुड़े हुए हैं, वह सरेआम सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी एक बहुत ही बड़ा शब्द है, सिर्फ संगठन ही नहीं सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज सिविल सोसाइटी है। उसे एक औजार, एक युद्ध के तौर पर सामने पेश किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ यह तमाम घटनाक्रम हमें दिखाई दे रहा है जहां ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के ऊपर गाज गिर रही है। क्या यह महज इत्तफाक है या हम और आप कड़ी को कड़ी से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, ये जो सिलसिला है, चाहे वो हैदरपुरा का जो किलिंग्स थी या खुर्रम परवेज के अगेंस्ट जो केसेस बनाए गए हैं और उनको हिरासत में लिया गया है, और उसके बारे में कोई पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है कि क्या हुआ उनके साथ, और तो ये सब जो है एक पिछले दो साल से जो एक मुसलसल एक खौफ का माहौल जो बनाया हुआ है इंडियन स्टेट ने, ताकि कोई आवाज ना उठा सके, ये उसके लिए है। हैदरपुरा की जो किलिंग्स थी वो पता चला है, अब लोगों ने जिस तरह से उंगलियां उठाई, आई विटनेस अकाउंट्स थे, और उनसे जाहिर होता है कि
लोगों को पकड़ के मारा गया और उसको एक एनकाउंटर की शक्ल दे रहे थे। और इस किस्म की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं वो खुर्रम परवेज जैसे लोग जो बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, उनको नजर से ओझल करने के लिए और उनको आउट ऑफ सर्कुलेशन रखने के लिए, ताकि इस किस्म के अगर हादसे हों तो ऐसे लोग ना बोलें और एक डर का माहौल मसलसल बना रहे, ताकि उस खौफ में कोई बोल ना सके। बिपिन रावत जी ने उसके साथ ही कनेक्टेड अजय है, डोभाल, हाँ हाँ हाँ, उसके साथ ही जी कनेक्टेड है। जी जी उन्होंने बात की थी लिंचिंग की, के जो टेररिस्ट जी हैं जी उनको लिंच कर दिया, जो लोग हैं वो लोग ही लिंच करेंगे। तो ये जिस किस्म को प्रमोट कर रहे हैं, पहले तो कौन डिसाइड करेगा टेररिस्ट कौन है? अगर हम वादी में देखें, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं उसमें कंटेस्ट किया जाता है, लोग कंटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि जो लोग मारे गए वो टेररिस्ट नहीं थे, वो आम लोग थे। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि अगर आप लोगों को ये इख्तियार दे देंगे, आप मॉब्स को ये इख्तियार दे देंगे कि वो किसी को भी पकड़ के लिंच कर सकते हैं टेररिज्म के नाम पर, और उसमें एक सिविल सोसाइटी एक अहम रोल प्ले करती है, और जहां दोवाल साहब का कहना है कि एक फोर्थ जेनरेशन वॉर जो है सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट होना चाहिए, वो सिविल सोसाइटी क्या करती है? वो सिविल सोसाइटी जो आपके डेमोक्रेसी को को स्ट्रेंथन करने की बात करती है, अमन लाने की बात करती है, सिविल लिबर्टीज की बात करती है, तो वो कोई मैनिपुलेट नहीं हो रही, वो सही सवाल उठा रही है ताकि एक पावरफुल गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल हो। जी, तो आपको लगता है कि खुर्रम परवेज की जो गिरफ्तारी है वो इसी कड़ी में है, और निश्चित तौर पे ये देखिए, कश्मीर टाइमिंग से से ये जुड़े आप सवाल तमाम लोग जो जरूर उठते हैं। लोग हैं, अब इंटेलेक्चुअल्स विद हैं, खास ठोस सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, ये इस टाइम पे गिरफ्तारी क्यों, इस टाइम पे ये केस क्यों? तो पिछले कुछ दिनों में जो सूरत हाल पैदा हुई एक हैदरपुरा के इंसिडेंट की वजह से, और ये जो दो बयान आए हैं आला अफसरों के, हिंदुस्तान के आला अफसरों के तरफ से, ये टाइमिंग ये सवाल खड़े करती है कि क्या ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है? इस पूरे माहौल में एक आस की तरह नाम आता है प्रिंस का। जी हाँ, प्रिंस 17 साल का वह नौजवान जो मुंबई आईआईटी में दाखिले के लिए पूरी कोशिश करता है, मेहनत करता है, और उसके परिवार से अभी तक कोई आईआईटी तक पहुंचने का सपना भी नहीं देख पाया। वह भूमिहीन किसान का बच्चा है। अब आप देखिए, उसे अपनी मेहनत के बल पर दाखिला मिल जाता है, लेकिन दाखिला नहीं मिल पाता। वजह यह कि ऑनलाइन फीस जो देनी है, उसमें तमाम कोशिशों के बावजूद जो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच आ गया है, वह कोशिश करता है वेबसाइट पे जा जाकर वो पैसे का भी जुगाड़ कर लेता है, लेकिन जो आखिरी तारीख है उस तारीख तक उसका उसकी फीस जमा नहीं हो पाती। वह और उसका परिवार और खास तौर से उसके पिता दौड़े दौड़े जाते हैं खड़गपुर आईआईटी, लेकिन वहां पर भी लोग हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि उसका दाखिला नहीं हो सकता। वह मुंबई तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी लोग बताते हैं, पूरा प्रशासन बताता है कि चूंकि आप सही समय पर फीस ऑनलाइन नहीं जमा कर पाए, लिहाजा आपको दाखिला नहीं मिलेगा। वह मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और वहां से भी निराश हो जाता है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने आता है। एक आश्चर्य की तरह सुप्रीम कोर्ट खुद दखल लेता है इस पूरे घटनाक्रम में और आदेश देता है मुंबई आईआईटी को कि सिर्फ इस वजह से इस लड़के को दाखिले से नहीं रोका जा सकता। और आप देखिए कि यह जो पूरी की पूरी बेंच है जस्टिस चंद्रचूड़ की और एएस बोपना की, वह जो लॉजिक जो तर्क पेश करती है वह बहुत मार्के का है, और वह
पूरे के पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ और बोपना की जो बेंच का फैसला है, जो पूरा आदेश है, वह साफ साफ कहता है कि जब ऑनलाइन फीस जमा करने का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वह देश के कितने गरीबों के पास है, कितने लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, यह सारा का सारा सिस्टम सिर्फ अमीर और सुविधा संपन्न लोगों के लिए क्यों काम कर रहा है। यहाँ पर हवाला दिया जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, शिक्षा के उनके स्वप्न का, और उसे जिंदा रखने की बात की जाती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से दखल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने एक और रोहित वेमुला को उसकी ट्रेजेडी को होने से रोका है, और प्रिंस और उसके परिवार का जो पूरा संघर्ष है वह निश्चित तौर पर सलाम करने वाला है, और यह बताने वाला है कि बिना लड़े इस देश में कुछ भी मिलता नहीं। शुक्रिया।